नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट 5 KVS के लिए कंप्लीट कर दी है, जो 15 नंबर की थी, और आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 10 मार्क्स का। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये यूनिट आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लीडरशिप होता क्या है, नेतृत्व। नेतृत्व क्या होता है? अगर हम किसी को, हमारा कोई लक्ष्य है तो उसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी को अपना नेता चुन लेंगे। जैसे हमारे आसपास जो विधायक होते हैं उनको चुनते हैं, और हमारी जो जरूरतें होती है, जो हमारे जो समस्या होती है, हम उनको बताते हैं, फिर आगे उसको हल करते हैं। यानी हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करते हुए वे क्या होता है, वो नेतृत्व, वो नेता कहलाता है, वो लीडरशिप होती है। तो देखिए क्या होता है नेतृत्व। नेतृत्व होता है एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों को समन्वय और सहयोग करने के लिए सहमत करने की गतिविधि है। लीडरशिप क्या है कि लोगों को समन्वय करने की, एक साथ लेने की, उनका सहयोग प्राप्त करने की गतिविधि होती है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समझ गए ना, ये लीडरशिप है। और क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, कि यह एक ऐसा व्यवहार है जो अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारे इस व्यवहार से दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, न कि उसका व्यवहार नेता के व्यवहार को प्रभावित करेगा। हम लीडरशिप कर रहे हैं ना, तो हम जो भाषण देंगे, हम जो वादे करेंगे, उससे अन्य लोग प्रभावित होंगे, न कि नेता खुद थोड़ी प्रभावित होता है। वह नेतृत्व का सेकंड क्या गुण है, कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे एक संगठित प्रयास में लोगों या उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। समझिए ना, वे क्या कहते हैं, संगठित प्रयास में, यानी एक साथ इकट्ठे होकर और जो उनकी गतिविधि है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं उन्हें हल करने के लिए। इस परिभाषा को हम चार भिन्न कारक से समझ सकते हैं। प्रथम कारक क्या है, कि यह समझाना उपयोगी है कि लोग किस प्रकार नेतृत्व की ओर बढ़ते हैं। लोगों के समझाना जरूरी है कि नेतृत्व की ओर कैसे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगर आपने अध्ययन ही नहीं किया और आप नेतृत्व करने लग गए, नेता बन गए, आप लीडरशिप करने लगे, आपको उसके टॉपिक के बारे में पता नहीं है, तो वो आप सफल नहीं हो पाओगे। तीसरा गुण क्या है, कि लक्ष्यों की प्राप्ति जो लोगों को वांछनीय लगेगी उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। वहाँ से जो लोगों को निम्न लगेगी ना, उसको विश्लेषण करो कि लोग जो हमसे हट किस लिए रहे हैं, क्यों हमसे दूर जा रहे हैं। तो जब वांछनीय है ना, वांछनीय होते हैं तो निम्न कोटि की लगेगी, उनके लक्ष्यों को विश्लेषण करो, उनकी प्राप्ति कैसे की जाएगी। आगे देखिए चौथा, नेताओं द्वारा कार्रवाई में प्रदर्शित गुणों पर विचार किया जाना चाहिए। जो जो कार्रवाई करते हैं, ठीक, नेताओं द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उन सभी गुणों पर विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए नेतृत्व के गुण क्या क्या होते हैं, लीडरशिप के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, देखिए इनसे जरूर क्वेश्चन बनेगा, अनुयायी। अनुयायी क्या होता है, जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है, कि नेता ना ऐसा होना चाहिए जो लोग उसे बहुत अधिक संख्या फॉलो करते हो। अगर लोग अधिक संख्या फॉलो करेंगे तो सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है कि नेतृत्व की सफलता अनुयायियों की संख्या पर निर्भर करती है। संख्या अधिक, नेता सफल। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मान लो तुम लीडरशिप कर ली तुमने, तुम नेता बने घूम रहे हो, तुम्हारे साथ पब्लिक है नहीं, तो कोई तुम्हारे पर ध्यान नहीं देने का, तुम सफल ही नहीं हो पाओगे। तो फॉलोअर बहुत जरूरी है। एक क्या, फिर ये एक व्यक्तिगत गुणवत्ता है। नेतृत्व चरित्र और व्यवहार का एक व्यक्तिगत गुण है जो उसे अपने लोगों को अनुसरण करने और अनुयायियों को उसके विचार निर्देशों का पालन करने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। ये क्या होता है, व्यक्तिगत गुण, ये आदमी के अंदर पहले से ही होता है। अब जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी के अंदर नहीं है, राहुल गांधी कोशिश कर रहा है अच्छा नेता बनने की, लेकिन नहीं है ना उसके अंदर गुण, ठीक है, जो अंदर खुद ही होता है पहले से ही। एक व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, ठीक, तो क्या करेगा, वो लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसके अनुयायी बनेंगे, वो शासकीय निर्देशों का पालन करेंगे। कब करेंगे, जब एक अच्छा नेता होगा, अच्छा वक्ता होगा, तभी करेंगे। उसके अंदर व्यक्तिगत गुण खुद होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी को नेता बनाएंगे अपने पास से, ठीक है। प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। नेता समूह को समझाते और एक साथ लेकर आते हैं। आगे हम समझ, थर्ड लक्ष्य देखें क्या है। थर्ड है एक समान लक्ष्य, यानी कि अगर सभी का, मान लो जो फॉलो करते हैं उसको, और जो नेता है जो लीडरशिप कर रहा है, अगर उनका लक्ष्य एक ही है तो सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेता और उसके अनुयायियों के सामने कुछ सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी को गतिविधि उन्मुख होना चाहिए। गतिविधि उन्मुख होता है मतलब उसी ओर प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है सक्रिय संबंध। सक्रिय संबंध होता है यानी एक्टिव रहकर कार्य करना। ऐसा नहीं है कि भाई नेता नेता बोलते जा रहे हो और जो उसके अनुयायी थे, जो फॉलोअर थे भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या फिर अनुयायी काम कर रहे हैं और जो है वो मुख्य है, जो नेता, वो चुप बैठा है। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों सक्रिय संबंध होना चाहिए। प्रभावी नेतृत्व के लिए एक नेता और उसके अनुयायियों के बीच में सक्रिय संबंधों की उपस्थिति आवश्यक होती है। सक्रिय संबंध ना, इन एक्टिव रहना चाहिए दोनों ही। व्यवहारिक दृष्टिकोण देखो क्या कहेंगे। एक प्रभावी नेता वह है जो उद्यम की समस्याओं के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। वह कठोर नहीं होना चाहिए, उसे समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। व्यापक और लचीला दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी कि उन्हें दृष्टिकोण बना लिया। ऐसा नहीं कि भाई देखो लीडरशिप का मतलब क्या है, इस व्यवहारिक दृष्टिकोण मतलब है कि जीवन में उपयोगी होता है ना, उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना, लोगों के अनुसार दृष्टिकोण को चेंज करते रहना। अब ये नहीं है कि हमने दृष्टिकोण बना लिया कि भाई ये इस जाति से बिलोंग करता है और इसके इसका हम भलाई का कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है और व्यापक और लचीला दृष्टिकोण बनाना है। व्यापक होता है जब बदल लेते हैं बार बार लोगों की जरूरतों के अनुसार। ये गुण होने चाहिए,
समझ गए ना। आगे क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है लीडरशिप, ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ऐसे नहीं है कि एक लीडरशिप अभी एकदम से तुम्हारे अंदर आ जाएगा, नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा उसका और आगे तक चलती रहेगी। देखो प्रभावी नेता होता है जो अच्छे नेता, उनके शील गुण क्या क्या है, क्या क्या गुण उनके अंदर होना चाहिए। पहला क्या है, निर्भरता। निर्भरता देखो क्या होता है, किसका अर्थ है कि व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम है और ऐसा करने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्भरता क्या, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी दिशा में प्रयास करें, या निर्भरता। ड्राइव बोलते हैं इंग्लिश में, भाई अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, मान लो तुम्हारा लक्ष्य है केवीएस एग्जाम पास करना, उसी दिशा में प्रयास करोगे ना तुम, उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए तो तुम निर्भर रहोगे तुम। अगला क्या, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होना चाहिए, एक नेता का सबसे अच्छा गुण है उसके अंदर आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता हो अच्छा नेता होगा। इस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास रखने और निर्णायक होने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास से जुड़े शील गुण है, समझ गए ना। उसे एक तो खुद में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कार्य करने के लिए, निर्णायक उसे निर्णय लेने की इच्छा होनी चाहिए खुद में ही। फिर क्या है, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। सबसे बड़ा गुण है ये कि भरोसामंद विशिष्टता बनाना और दूसरों को प्रभावित करने के लिए अथॉरिटी का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपको विश्वास जमाना है तो ऐसे कार्य इस प्रकार से करोगे जो ऑथेंटिक हो, जिसे अथॉरिटी हो। अगला है नैतिक और सदाचारी चरित्र। ये क्या होता है, एक प्रभावी नेता बनने के लिए एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, उसका चरित्र क्या अच्छा हो। ऐसे नहीं कि करैक्टरलेस अच्छा नेता तभी बन सकता है, उसका चरित्र अच्छा होगा। बुद्धिमता देखें, माइंडेड क्या होता है, बुद्धिमता। एक नेता सफल होने के लिए जनरल जानकारी का विश्लेषण, व्याख्या और संचार, स्मार्ट निर्णय की आवश्यकता होती है। वह अगर बुद्धिमान नेता होगा तभी तो स्मार्ट वर्क करेगा, जैसे भी राहुल गांधी घूम रहे हैं ना पैदल पैदल भारत जोड़ो यात्रा में, ठीक है। तो उसके साथ साथ ही क्या, उनके अंदर बोलने का अच्छा गुण नहीं है, वे शब्दों में उलटफेर कर देते हैं, ठीक। तो समझ गए ना कि बुद्धिमता क्या, नहीं बुद्धिमान होना जरूरी हो जाता है एक नेता का। प्रासंगिक जानकारी, प्रासंगिक होता है संपूर्ण जानकारी, उस फील्ड से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता से परे जाकर एक प्रभावी नेता को भूमिका के लिए प्रासंगिक ज्ञान यानी रिलीवेंट नॉलेज, रिलीवेंट समझते ना, उस क्षेत्र से संबंधित जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उससे संबंधित नॉलेज होनी जरूरी है। व्यक्ति में अवधारणा बनाने की क्षमता होनी चाहिए, कंसेप्ट बनाने की, खुद से अवधारणा बनाने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएँ होती है। नेता अनुयायी का कुल आदर्श होता है, नेता को सम्मान दिया जाता है, नेता अनुयायी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, नेता आदेश का एक आज्ञा है, नेता का आदेश एक आज्ञा है, नेता समूह के आचरण को निर्धारित करते हैं। और क्या है, गुरु के रूप में नेतृत्व यानी नौसिखिए शिक्षकों के लिए मेंटर के रूप में सेवा करना शिक्षक नेतृत्व के लिए सामान्य भूमिका होती है। ये लीडरशिप है ना, ये उसमें ये जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, ये तुम्हारी स्कूल के बारे में चलेगी और स्कूल से पूछेगी आप किस प्रकार से स्कूल के बच्चों को नेतृत्व करोगे, कौन कौन से गुण आपके अंदर होने चाहिए। एक कोच के रूप में कैसे, यह कोच के रूप में प्रधान भूमिका उम्मीदों को स्पष्ट करता है और सिखाता है। टीम निर्माता के रूप में नेतृत्व करता है, इन सबको एक साथ लेकर चलेगा ना तो क्या टीम का निर्माण होगा। एक सामान्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदस्यों से चर्चा करता है, उन्हें प्रभावित करता है। फिर क्या अगला, कैसे लूँ अगला, चिंतनशील नेतृत्व। चिंतनशील नेतृत्व संबंधित आधारित संगठन बनाने की कुंजी होती है। आत्म जागरूकता होनी चाहिए, लचीला प्रक्रिया होनी चाहिए। आरंभकर्ता के रूप में यानी आरंभकर्ता के रूप में समझा क्या है कि जब हमने उसको नेता चुन लिया तो भाई हमारी समस्या कौन चुनेगा, वो चुनेगा, शुरुआत कौन करेगा, नेता करेगा। तो वह आरंभकर्ता कि एक नेता पहले कर्ता के रूप में नीति और योजनाओं को अधीनस्थ तक पहुँचाने का कार्य करे, जहाँ से वास्तव में कार्य शुरू होता है, यानी कि जो हमारा समस्या है ना, हमारी समस्या उसे वहाँ तक लेकर जाए जहाँ से उसका सोल्यूशन होगा, आरंभकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। नेतृत्व की शैलियाँ देखो क्या क्या है। एक संगठन में नेतृत्व की 5 शैलियाँ होती है, इंपॉर्टेंट है भाई। निरंकुश नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व क्या होता है कि देखिए कि ऐसा निरंकुश वातावरण में नेता टीम के शेष सदस्यों के बिना निर्णय लेता है और यह एक अत्यधिक सलाहवादी नेतृत्व शैली है जो गलत स्थिति में कर्मचारियों को मनोबल गिरा सकती है। देखिए निरंकुश नेतृत्व क्या होता है, इसमें बिना किसी अन्य सहायता के निरंकुश होता है, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, और स्वतंत्र है निर्णय लेने के तो कुछ भी निर्णय ले सकता है। कई बार क्या करता है, कर्मचारी को मनोबल गिरा देता है, जैसे मोदी ने क्या किया था, बिना ज़्यादा सोचे लॉकडाउन लगा देता है, उससे लोगों को क्या कितना प्रभावित हुए थे लोग। अगर एक बार पहले बता देते कि लॉकडाउन लगे सब अपने घर जा सकते हैं तो लोग इतने परेशान नहीं होते, तो निरंकुश नेतृत्व था वो। लोकतांत्रिक नेतृत्व की वो ये फ्री है भाई, वो अपने कार्य करने के लिए। इस शैली में अंतिम निर्णय टीम के सदस्यों की राय लेने के लिए बाध्य किया जाता है, वो कर्मचारियों को सराहना महसूस करने में सहायता करते हैं। लोकतंत्र है कि जैसे लोकतंत्र मध्य देश लोकतंत्र है तो क्या है, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो लोकतंत्र नेतृत्व है उसमें लोगों की सलाह ली जाती है, कर्मचारियों की सलाह ली जाती है। प्रतिनिधि नेतृत्व क्या है, ये नेता अपने कर्मचारियों और स्वायत्त और रचनात्मक स्वतंत्रता देने में विश्वास करते हैं, यानी प्रतिनिधि होते हैं उनके। प्रबंध क्या है, ये काम को प्रबंध करते हैं, क्या कार्य किया जाना, किस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना है। ऐसे वे कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने या न करने से जुड़े पुरस्कारों और दंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह प्रबंध करना कि हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो आपको ऐसे पुरस्कार मिले, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो आपको यह दंड मिलेगा, इस तरीके से।
फिर है दूरदर्शी नेतृत्व। ये शैली में नेता दूर तक सोच रखने वाला, पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट देखने वाला होना चाहिए। वैसे पता होना चाहिए जब कोई नेता बना दे उसे पता होना चाहिए कि भाई इसके क्या इफेक्ट, क्या प्लस के है, क्या माइनस के है, मतलब कौन से सही है कौन से गलत है और कैसे लोगों को प्रभावित करेंगे। आगे देखिए, आगे आते हैं नेतृत्व के पाँच स्तर। पाँच स्तर कौन कौन से है देखिए कि है जॉन मैक्सवेल के अनुसार पद, अनुमति, उत्पादन, लोक विकास और शिखर नेतृत्व के स्तर। ये तो पोजीशन, एक तो पद, नेता का ऐसा पद है कि लोग उसके आदेश का पालन करते हैं। फिर क्या अनुमति, परमिशन है, टीम के सदस्य संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उन्हें प्रतिबंधित अधिकार दिए जाएँ, यानी अनुमति तो उनसे ले। उत्पादन क्या है, उत्पादन है कि हमने किस लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किया हुआ उत्पादन। जब तीन स्तर तक पहुंचता है तो वे परिणाम सुधारने पर ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया है और लोग उनका अनुसरण करते हैं। अच्छा नेता वही है। लोक विकास, विकास क्या, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। जो स्तर चार तक पहुंचते हैं अन्य नेताओं को पढ़ाते हैं, प्रदर्शक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोग उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे देना या अटल बिहारी वाजपेयी तो लोग उनसे आकर्षित होते थे खुद ही, क्योंकि वे चौथे स्तर पर पहुँच चुके थे, लोक विकास के लिए सोचते थे क्योंकि लोगों के जीवन पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। पांचवा क्या है तुम्हारा, ये आपका शिखर। शिखर में क्या है, पिनेसल, यानी दुर्लभ किस्म के नेता। स्तर पाँच के नेता अपनी सफलताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते। बता रहे मैंने जैसे भी बड़े बड़े नेता, मोदी जी देखो कितने फेमस हो गए, तो लोग बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे, ठीक है ऐसे ही। अब भाई आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में।